सबका ऑर्डर जो है टॉप क्लास होना चाहिए, वरना जो थारी है जो बिना लाइसेंस की दुकान हो रही ना। हाँ यार, हमारी चौकी की 50वीं दिवाली है, गोल्डन जुबली। अरे नए कलर से पूरी चौकी को रंगा रंग कर दो लाइक ब्रांड न्यू। हाँ बोले गल सुन भाई, साड़ी दिवाली स्पेशल है। हाँ भी पटाके जरूर लेके बढ़िया सूतली बम्ब है। हाँ मैडम, मैंने चौकी में 2 सीरीज लाइट लगा दी है जगमगा के। तो मैंने भी जो है ना, मैंने 2 रैप्ट बजा दिए जगमगा के। लेकिन मैडम आपने मुझे क्यों मारा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जगमगा के? गलती हुई है तभी तो मारा है, वरना तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती। मेरा मतलब एक नंबर की पगले है। मेरा मतलब है बेफालतू में लोगों को थप्पड़े मारती है क्या? लेकिन मेरा इसमें कसूर क्या है जगमगा के? अबे वो साले जब थारे से कही थी ना कि चौकी की जो है 50वीं दिवाली से आई हो, घना इम्पोर्टेंट दे हो रहा हमारे लिए, तो चौकी ने पूरी सजा 2 जो है सीरीज लाइट लगा के कंजूसी में मर रहा तू। चौकी में जाना ऐसा 1 भी सेंटीमीटर ना हो ना जो जगमगा ना रहा हो, समझा तू? हो जाएगा मैडम एकदम जगमगा के। इस बार दिवाली पर आप कुछ एकदम खतरनाक भड़कता सा पहनिए, मतलब जैसे कोई बैकलेस टोली टाइप। हाँ जी जी मम्मी जी, कुछ हो रहा है जबरदस्ती बन जाए गल फिर। अच्छा दिखेगा। हेलो निशा डिजाइनर भाई, वो लाल रंग की जो बैकलेस चोली हो रही है वो लहंगा वाला ना वो भेज दो। मुझे ही बस फालतू में पहनेंगे वही, पता है। आइए आइए लड़की, चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी कल दिवाली है। सर तो मिस करूंगी कल मैं आपको। हाँ वो तो कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल के दिन मेरा स्टाफ जो है वो वर्दी ना पहने। नहीं मतलब ये वर्दी ना पहने, कोई कलरफुल ड्रेस पहने। इसीलिए मैंने बास मंडी चौराहे के पास कल्पना टेलर्स के यहाँ से छज्जू दर्जी को बुलाया है। छज्जू come on baby। रंगीला the one of the finest designers। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कपड़ा काट की। काट लेना काट लेना काट लेना। तो मैं क्या कह रहा था, आप जल्दी से कोई अपने लिए डिजाइन डिसाइड कर लीजिए ताकि मैं भी मिलता जुलता कोई ड्रेस बनवा लूं। हाँ लाइए, मैं नाप ले लेता हूँ। क्यों लिखो? हाँ दर्जी आप हो रहे हो? वो रहा दर्जी। ओह नहीं, दर्जी तो वो है। तो अरे मैडम वो क्या है कि नाप तो हम ही ले रहे थे, पर हुआ ये कि आज हम हमारा चश्मा हमारी बेगम के सिराने रख के भूल गए, तो फिर हम यहाँ पे लेके नहीं आ पाए, तो हम आपका नाप कैसे लेंगे कपड़ा काट के? क्यों ठीक है ना? लिख मास्टर जी। भाई यो कितनी उंगलियां हो रही? अरे मैडम दिखेगा कैसे बिना चश्मे के? 5 है मैडम कपड़ा काट के। आपके दर्जी की जो है ना आंखें वापिस आ गई हैं, और हमारी ड्रेस की आपको चिंता लेने की जरूरत ना है, क्योंकि हमारे पास एक इन हाउस डिजाइनर हो रही है जिसने बढ़िया जो है ड्रेस हमारे लिए डिजाइन कर दी। ओके मम्मी जी, हम क्या पहनेंगे जी? हम भी नए कपड़े सिलाएंगे जी। अरे हाँ, अब यहाँ पर सबके लिए नए कपड़े बन रहे हैं तो हम भी नए कपड़े बनवा लेते हैं, वो भी सर की तरफ से। क्यों सर? ओके ओके ठीक है, सिला लेंगे सिला लेंगे। हाँ गोपी अंकल, आपको कोई नए कपड़े सिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप अपने कोई पुराने सफेद कुर्ता पैजामा पहन कर आइए, हो सकता है दिवाली की रात आप निकल लो। हाँ तो हम उसी में आपको छोड़ाएंगे, क्यों? नहीं ओके खैर कोई बात नहीं, आप मेरा नाप ले लीजिए। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। गुब्बारे तुम्हारे लिए मैंने तंबू वाले को बुलाया है। तंबू वाला क्यों सर? भाई तुम्हारे लिए तो कोई तंबू वाला ही कपड़ा सी सकता है ना। चल निकल निकल। ये पापा
मैडम मेरा तो दिल करता है ये सर को बाल्टी में उनका मुंह यूं घुसेड़ के उन्हें भिगो के यूं निचोड़। बुलबुले दिवाली का टाइम आ रहा है, ऐसे में जो है ना मन में ऐसी खराब बातें ना लाते। खराब दिवाली तो अब ये सर की होगी मैडम, इनकी कुर्सी के नीचे मैं कद्दू बॉम लगाऊंगा और जब वो कद्दू बॉम फूटेगा सर का मुंह काला होगा ना तब आएगा मजा। मैं खैंच के एक रापता मारूंगी, ना ऐसा कोई काम करने की जरूरत ना है। बेटा दिवाली खुशियों का त्योहार हो बे, ना कि बदला लेने का। चीयर अप। वो बम तो लगेगा और फटेगा भी। अब इस कद्दू बम को हम सर की सीट के नीचे सेट कर देंगे, आज सर तो गए। सर आप काफी थके हुए लग रहे हैं सर, आप आइए बैठिए ना। नहीं गाड़ी में बैठकर ही तो आ रहा हूँ, थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ, तुम जब तक साफ सफाई कर लो। अरे सर मेरी सफाई तो हो गई है सर, अब तो आपकी सफाई हो। अब मतलब सर आप बैठिए ना, बी कंफर्टेबल सर, बी कंफर्टेबल। मैंने कहा ना मुझे नहीं बैठना है। अरे सर आप खड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं सर। अरे तुम्हें अच्छा लग के करूंगा भी क्या, जिसे लगना चाहिए उसे तो लगता ही नहीं। सर टाइम बीता जा रहा है सर, आप प्लीज बैठिए ना। हेलो इंस्पेक्टर आर्यन। सर व्हाट अ सरप्राइज सर, सर कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा काफी दिन हो गए मिले हुए, मिलता चलो। बहुत अच्छा किया सर, आइए सर बैठिए सर। नहीं सर आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं सर। क्यों मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि क्योंकि कैबिन सर, इतना बंद बंद कैबिन, इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर सर, आप बाहर लॉन में चलिए, मैं कुर्सी लगाता हूँ आपके लिए, खुले में बैठिए सर, खुले में। कुर्सी तो ये भी है, यहाँ भी बैठ सकता हूँ। नहीं सर आप यहाँ मत बैठिए प्लीज। ओबे सीनियर्स, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नीचे बम रखा हुआ है इसके। हाँ तो रखा। नहीं सर लेकिन तुम एक काम करो बाहर जाओ, मुझे इनसे बात करनी है। प्लीज आउट सर, सबसे जरूरी बात है आप सुन। जो कह रहे करो और चाय वाय भी भेजो, चाय पकोड़े कुछ भेजो, बैठते हैं। चलो सर प्लीज बैठ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आप यहाँ आए। हाँ अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा जी सर। ये इसकी वजह से ये हुआ है सर। He's the culprit. इसने मेरे कुर्सी के नीचे बम लगाया सर, और ये चाहता था कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं सर। आपने देखा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कैबिन में आए थे सर और आप कुर्सी पर बैठना चाहते थे तो ये मना कर रहा था सर। Ask him why सर, क्यों? मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं गुलगुला तुझे, आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हारा ट्रांसफर सांप सपेडू जंगल चौकी में करता हूं। अरे सर लेकिन मैं सर... एक मिनट सर। सर ये जो कुछ हुआ है इसमें जो है ना गुलगुले की कोई गलती ना है, असली गुनहगार मैं हूं। क्या कर रही हैं आप? सर गुलगुले ने जो बम लगाया है ना इंस्पेक्टर आर्यन की कुर्सी के नीचे, वो मारे कहने पे लगाया। क्या? मगर क्यों चंद्रमुखी जी? फॉर एंजॉय। ऐसी बेहुदा हरकत आप कैसे कर सकती हैं? सर अब जो कर दी है ना उसकी डिटेल में जाने की तो कोई जरूरत ना है सर, आपने जो सजा देनी है वो मन्ने मंजूर से। ठीक है ठीक है, जो सजा मैंने गुलगुले को देनी थी वो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है और कल दिवाली वाले दिन तुम ये पुलिस स्टेशन छोड़कर जाओगे। नहीं। ओके सर। ये लो ध्यान रखो चौकी का और खुद का भी। अरे
मम्मी जी आप क्या देख रही हैं? मैं इस चौकी ने देख रही हूँ जहाँ सालों साल जो है ना मैंने राज करा है। मैंने न जाने कितने केस यहाँ सॉल्व करे, इस मेज पर बैठ के न जाने कितनी घूस ली, कितने रैप्टे बजाए तैने और गुलगुले ने। नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं नहीं, ये गलत है मैडम। अरे आप हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती है मैडम। मैडम आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? अरे आपके रैप्टो के बिना मैं मर जाऊंगा मैडम। मारे मना करने के बावजूद तैने जो काम करा है गुलगुले, ना उसकी सजा तो भुगतनी है ना। अरे तो भुगतनी है तो मैं भुगतूंगा ना, आप क्यों भुगत रही है? अरे मेरा इल्जाम आपने अपने सर पे ले आई क्यों? अरे क्योंकि थारी तरह हमारी कोई फैमिली ना है, ना हमारी कोई बीवी ना है, बच्चे ना है जिन्होंने स्कूल जाना है, लाइफ जीनी है। और वहाँ उस सांप सपेरा जंगल के ठाणे में ना वहाँ अकेला ही फिर जीने के लिए थारे लिए, और मारा क्या है, मैं तो अकेली हूँ। खबरदार जो मेरे होते हुए आपने अपने आप को कभी अकेला कहा तो। ओ सर आप रहने दीजिए सर, प्लीज रहने दीजिए आप सर। कितनी बार आपसे कहा कि प्लीज इस कुर्सी पर बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अगर आप कुर्सी पर बैठ गए होते तो वो कद्दू बम आप पर फटता, कमिश्नर साहब पर तो नहीं फटता ना। शराब ये सब तुम्हारी वजह से भाई गुब्बारे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, बंद करो आपस की लड़ाई, देखो मैडम ले रही है विदाई। ओके बाय। हैप्पी दिवाली। जय हिंद। मैडम भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुझे गुब्बारे, कभी माफ नहीं करेगा। अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने, कितने अरमान थे, उन सब पे तूने पानी फेर दिया गुब्बारे। सर जी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मम्मी जी के जाने का दुख सिर्फ आपको है, हमें है ही नहीं। इधर देखो हम भी कितने उदास हैं, कहां तो आज दिवाली की खुशी में यहां दिए जलने थे, अब मातम बनाओ बेटी। ध्यान से सुनो वो बात जो हूं मैं कहने वाली, मैडम के बिना मैं दिवाली नहीं मनाने वाली। ओके बाय। सर मैंने पूरी चौकी को बिल्कुल वैसे ही दुल्हन की तरह सजा दिया है जैसे मैडम ने कहा था, जगमगा के। कहिए तो लाइट जला दूं? रपीट डालो कमीने को। आज मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा बेटा। तो होली मना लो। अबे तेरी यार, आज के दिन रहने दे, हैप्पी दिवाली बेटा। काश काश मैडम हमारे साथ होती तो ये चौकी इतनी सूनी और अंधेरी नहीं लगती। बहुत जल्दी समझ में आ गया तेरे। सर जी मम्मी जी ये दिवाली बड़े चाव के साथ मनाना चाहती थी पर वो तो अभी साथ नहीं है, कम से कम आप एक शगन का दीवा तो जला दो। मैंने सोचा था कि चौकी में पहला दिया जलाऊंगा तो मेरे हाथ के साथ एक और हाथ होगा, चंद्रमुखी जी का हाथ। सब उल्टा हो गया, वो भी इस गुब्बारे की वजह से, तेरी वजह से। नहीं सर आप भूल जाइए किसने क्या किया, मैडम के खातिर प्लीज जला दीजिए ना शगुन का दिया। मैंने कहा ना कोई दिया नहीं जलेगा।
चलो चलते। अरे मारे होते हुए इस चौकी में दिवाली ना मनाई जाएगी, अरे दिया ना जलेगा, बावड़े हो गए हो तुम सब। ओ इलू इलेक्ट्रिशियन, जगमगा के मम्मी जी आप नहीं, आज मैं मान गई कि ऊपर वाले मेहदम, देखो आगे हमारी मैडम। लेकिन चंद्रमुखी जी आपका तो ट्रांसफर। मैंने इनका कोई ट्रांसफर नहीं किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसे छोटी मोटी हरकत मिस चौटाला जैसी शेरनी नहीं कर सकती। ये तो बस सिर्फ गुलगुले को सबक सिखाने के लिए छोटा सा ड्रामा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू मिस चौटाला। थैंक यू सर। और मैं सबक सीख गया हूँ सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बालकों हमेशा एक बात याद रखो, दिवाली एक खुशियों का त्योहार है, और किसी भी त्योहार में हमें ऐसा कोई काम ना करना चाहिए जिससे दूसरों की खुशियां गम में बदल जाए। पटाखे खुली जगह पर और सावधानी से चलाने चाहिए। ओके क्लियर। आर्यन सर, ये मिस्टर गुलगुले आपके मुजरिम है, बताइए ने क्या सजा दी है। सर इसकी सजा ये है कि इसे माफ कर दिया जाए। सर चलिए माफ कर देते हैं आपके। जी सर, आज दिवाली की खुशियों का मौका है सर, और दिवाली की खुशियां सजा देके नहीं दिए सजा के मनानी चाहिए। अरे तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्रिसमस कहाँ है, बम पटाखे फुल जा रही हो। अरे लाओ।